हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष भट्ट और स्वागत करता हूँ टेक का मैं एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ईवीएम मशीन के बारे में, कैसे ईवीएम मशीन एस्टैब्लिश हुआ, क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, कौन प्रोड्यूस करता है, और लास्ट में मैं उसका लाइव डेमो बताऊंगा वो कैसे वर्क करता है। तो ज्यादा देर न करते हुए करते हैं हम श्री गणेश। बात करें ईवीएम मशीन कैसे एस्टैब्लिश हुआ, तो हम जाते हैं बैक में 1990 से पहले। तो कोई भी वोटिंग के लिए बैलेट पेपर आता था, उस बैलेट पेपर में जो भी कैंडिडेट्स खड़े उनका चिन्ह था और उस पे हमको निशानी लगा के उसमें वोट होता था। फिर उसमें क्या होता था कि भाई वोटिंग के लिए देरी होती थी, तो जब मतगणना होती थी तो उसमें बहुत देरी लगती थी और रिजल्ट भी इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता था। तो 1998 के बाद ईवीएम मशीन का यूज होना स्टार्ट हुआ। ईवीएम मशीन, तो ईवीएम मशीन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहा जाता है। तो ईवीएम मशीन में वोटर के साथ उसके लिए बटन्स होते हैं। ईवीएम मशीन में मेन दो यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड बैलेटिंग यूनिट। तो दोनों यूनिट 5 मीटर के एक केबल के साथ दोनों कनेक्टेड होते हैं। जब कभी भी वोटर किसी भी कैंडिडेट को वोट देना चाहता है तो उस बटन को प्रेस करके उस कैंडिडेट को वो लॉक कर देता है, तो तभी वो बैलेटिंग यूनिट उस नंबर पे उस वोट को लॉक कर देता है। और जब भी नेक्स्ट बैलेटिंग नंबर एड होता है तभी भी यह ईवीएम मशीन ऑन होता है और दूसरी बार कोई वोटर वोट दे सकता है। तो एडवांटेजेस क्या है इस ईवीएम मशीन का, तो यह ईवीएम मशीन में वोट काउंट करने में देरी नहीं लगता था और जल्दी से इसमें रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। दूसरी बात, इसमें हमें 1 मिनट में कम से कम 5 ही वोट वो ले सकता है, उससे ज्यादा यह ईवीएम मशीन वोट काउंट नहीं करता है। तीसरा एडवांटेजेस, यह ईवीएम मशीन में 1 पर्सन एक ही वोट दे सकता है, उससे ज्यादा वो वोट नहीं दे सकता है। इसमें वोटर के वोट 10 ईयर तक उसमें सेव रखे जा सकते हैं। तो यह इतना एडवांटेज है कि हम बैलेट पेपर के जगह उसमें हम ईवीएम मशीन यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यह ईवीएम मशीन सेव पेपर, जो मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट एडवांटेजेस है। तो अब मैं बात करूंगा प्रोडक्शन एंड डिजाइन की। तो इंडिया में 2 ही पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनीज है जो यह ईवीएम मशीन को बनाता है। फर्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरा है ECIL। यह ईवीएम मशीन का सोर्स को कुछ ही इंजीनियर्स को पता होता है और यह इंजीनियर कौन है पूरी फैक्ट्री में यह किसी को भी यह पता नहीं होता कि इसका सोर्स कोड किसे पता है। तो इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता ईवीएम मशीन को। तो आपको और जानकारी चाहिए कि भाई ये मशीन क्या है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया की लिंक डाल दी है, जिससे आपको और जानकारी मिल सके ईवीएम मशीन के बारे में। तो आगे मैं इस ईवीएम मशीन का डेमो बताता हूँ जो मैंने खुद से तैयार किया है, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कि यह वर्क कैसे करता है। तो यह ईवीएम मशीन सिस्टम अभी लॉक है। सबसे पहले उसमें हमको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, जो पासवर्ड सही होगा तो ही ईवीएम मशीन एक्सेस हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता हूँ, देखते क्या होता है। तो जैसे रेड LED ऑन हो गई है, जिससे भी पता चल जाएगा भाई कोई और या ईवीएम मशीन को एक्सेस करना चाहता है। और फिर से हम एंटर पासवर्ड करेंगे, अब के बार हम सही करेंगे पासवर्ड। तो मैंने ये अभी सही पासवर्ड एंटर किया है, तो हमारे ईवीएम मशीन हम एक्सेस कर पाएंगे। अभी वेलकम डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे डिस्प्ले हो रहा है, ये 4 कैंडिडेट हैं जिसे हमें वोट देना है। तो आप अकॉर्डिंग स्विच आप वोट दे सकते हो। फर्स्ट स्विच है जो फर्स्ट कैंडिडेट के लिए है, या सेकंड स्विच सेकंड कैंडिडेट के लिए है, और यह थर्ड स्विच थर्ड कैंडिडेट के लिए है, और फोर्थ स्विच फोर्थ कैंडिडेट के लिए है। वैसे 4 कैंडिडेट है, तो मैं रेंडमली किसी को वोट दे रहा हूँ, जिसे हम बाद में रिजल्ट देख के पता चले कि भाई कौन जीत रहा है। ये 4 कैंडिडेट को मैंने वोट दे दिया है। ये रिजल्ट वाला बटन हम प्रेस करेंगे तो जैसे रिजल्ट हमें दिख रहा है डिस्प्ले पे कि भाई BJP को 2 मिला है, जिसे हमें पता चल जाएगा कि भाई BJP विन हो गई है। तो वैसे ये डेमो है जो मैंने खुद से तैयार किया है। तो बस इतनी थी हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए टेक गमा को। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।